मैं अदिति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के शेख तामीम बिन अहमद अली थानी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान दोनों के बीच द्वीपक्षीय और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद वो भारत रवाना हो जाएंगे। यूएई के दो दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी बुधवार की रात कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन जैद अली मुरक्की ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान थल अली के साथ बैठक की है। इस दौरान भारत कतर के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वित्त क्षेत्रों में विस्तार पर चर्चा की जाएगी। भारत विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के शेख से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर भी बातचीत की जाएगी। इस दौरान इस रिश्ते को मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस वक्त करीब $20 अरब का कारोबार होता है। कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं और वो यहाँ के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कतर के हाल ही में भारत में 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया गया है। 12 फरवरी को फॉरेन सिक्योरिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कतर में भारत के पूर्व सैनिकों के मामले पर प्रधानमंत्री खुद नजर रख रहे हैं। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया था। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक 12 फरवरी को सुबह भारत लौट आए हैं। कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ने 30 अगस्त 2022 को इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन नवंबर में इन्हें छोड़ दिया गया। रिहाई ऐसे समय हुई है जब भारत की और कतर के बीच गैस को लेकर बड़ा अहम समझौता हुआ है। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत $78 अरब की है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत हर साल भारत 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली फर्टिलाइजर बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है और किया जाएगा भी। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।